हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी एंड टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी। ओके, इससे पहले के जो लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, जैसे मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड मॉडल्स ऑफ मेमोरी। जब वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमारे जहन में एक सवाल उभरा कि आखिर वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम गेस कर सकते हैं कि हमारी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है या हमारी मेमोरी स्ट्रांग है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, यानी उन्हीं सिम्टम्स पे फोकस करेंगे जिससे हम गेस कर सकें कि हमारी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है या नहीं, और अगर हमारी मेमोरी कैपेसिटी स्ट्रांग नहीं है तो हम उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है ये है स्पीडी एंड करेक्ट लर्निंग। आपकी मेमोरी अच्छी है, यानी गुड मेमोरी का जो फर्स्ट सिम्टम है वो ये है कि अगर आप किसी भी लर्निंग मटेरियल को काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ और बहुत ही करेक्ट फॉर्म में, बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में लर्न कर लेते हैं और फिर उसे उसी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी अच्छी है। यानी किसी भी लर्निंग मटेरियल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही करेक्ट फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, सीख जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी अच्छी है। इन्फॉर्मेशन को जल्दी गेन कर लेना, किसी भी नॉलेज को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को जल्दी रिसीव कर लेना और उसे समझ जाना, और वैसे ही समझना जैसा कि इन्फॉर्मेशन है। तो ये पहचान है इस बात की कि आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। ओके, सेकेंड जो है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से हमें मिल रही है, अगर उस इन्फॉर्मेशन को आप काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रिटेन करने में सक्सेस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर कर लेते हैं, भूलते नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी रिटेंशन कैपेसिटी, आपकी मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक, नेक्स्ट है इजी रिकॉल व्हेन रिक्वायर्ड। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर तो कर लिया, रिसीव कर लिया, स्टोर कर लिया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी कि उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका यूज़ किया जाए, आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल ही नहीं कर पाए, तो फ़ायदा क्या इस मेमोरी का? नहीं ना। अगर ज़रूरत पड़ने पर जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते, दोहरा नहीं पाते या उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, मेमोरी वीक है। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी लर्निंग मटेरियल को जब आप रिकॉल कर लेते हैं एज इट इज़, जैसा कि आपने उसको स्टोर किया है, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट जो आता है सिम्टम वो क्या है? मैक्सिमम रिटेंशन। सिर्फ ये नहीं कि आपने कितनी स्पीड के साथ किसी चीज़ को लर्न किया या आपने उसको रिकॉल कर लिया, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कितना स्टोर कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं। आपने अगर एक घंटे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को रिटेन किया, तो ये पहचान नहीं है आपकी अच्छी मेमोरी की। ओके, आप अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको 5 मिनट के लिए मिलती है, आप तुरंत उसको रिसीव करके स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको भूल नहीं पाते, उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर लेते हैं अपने ब्रेन में, तो इसका मतलब आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है।
किसी ऐड को आपने देखा, किसी पर्सन को आपने देखा कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसको कई साल के बाद जब दोबारा देखते हैं तो आपके ध्यान में तुरंत आ जाए, अरे इस पर्सन को तो मैंने देखा है कहीं पे, यहाँ देखा, आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाए उस पर्सन को देखने के बाद। तो इसका मतलब आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट रिकॉल। आपने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है, अगर इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट फॉर्म में रिकॉल कर लेते हैं, एक्यूरेट फॉर्म में रिकॉल कर लेते हैं, तब तो आपकी मेमोरी अच्छी है। आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉल तो कर रहे हैं लेकिन इनकरेक्ट फॉर्म में, उसमें एक्यूरेसी की कमी है, शुद्धता की कमी है, ठीक है, उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन कर देते हैं अपनी तरफ से। इसका मतलब मैनिपुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को एज इट इज़ वैसे ही रिकॉल करते, नहीं, हमारे मेमोरी में कंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है, जो उसकी असलियत होती है, वो थोड़ा बहुत बरकरार रहती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट फॉर्म में रिकॉल करना एक गुड मेमोरी की क्या है, सिम्टम है। तो कुछ सिम्टम्स यहाँ बताए गए हैं, इसके बेसिस पे आप गेस कर सकते हैं कि क्या आपकी मेमोरी स्ट्रांग है या नहीं है। ओके, अब अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी, कि हम अपनी मेमोरी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी। ओके, तो फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है जिससे कि हम अपनी मेमोरी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, वो है विलफुल लर्निंग। किसी भी टॉपिक को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को अगर आप अपनी ख्वाहिश के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ, विल पावर के साथ लर्न करते हैं, तो उसको लर्न करना, उसको मेमोराइज करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अगर किसी टॉपिक को सीखने में आपकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई विल पावर ही नहीं है, तो क्या आप उस टॉपिक को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके अंदर कोई ख्वाहिश ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं सीखना, तो कैसे सीख पाएंगे? अगर आप चाहते हैं सीखना, आपके अंदर एक दृढ़ मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर है, तो आप उस टॉपिक को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और मेमोरी में स्टोर भी किए रहते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम तक। तो आपकी विल पावर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कैसी होगी। तो किसी भी टॉपिक को लर्न करने से पहले हमें अपने विल पावर के स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। ओके, नेक्स्ट है रेपिटेशन, पुनरावृत्ति। किसी भी लर्निंग मटेरियल को जिसे आपने लर्न किया है, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे आपने स्टोर किया है, उसे टाइम टू टाइम आप दोहराते रहें। रिपीटेशन से एक फ़ायदा होता है कि आप उसका रिहर्सल होता रहता है और इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी स्टोर से क्या होती है, वहाँ से डिके नहीं हो पाती, वहाँ से फॉरगेटिंग नहीं हो पाती, वहाँ पे हमेशा मेंटेन बनी रहती है। तो रेपिटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब बार बार कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने लाई जाती है, या यूँ कहते हैं हम मन ही मन में इम्प्लिसिट लेवल पे उसे रिहर्सल करते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को, उस लर्निंग मटेरियल को कभी नहीं भूल पाते, ठीक है।
और अगर हमने किसी इन्फॉर्मेशन को एक बार लर्न किया, उसे मेमोरी में स्टोर किया, फिर उसको स्टोर करने के बाद बिल्कुल भूल से गए, तो पूरी पॉसिबिलिटी इस बात की है कि उस इन्फॉर्मेशन की फॉरगेटिंग हो जाएगी। वो भी जाती है कुछ टाइम के बाद, चीज़ें हमें भूल जाती हैं अगर हम उस पर फोकस नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट जो है टेक्निक वो है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। याद रखिएगा, अगर किसी भी टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ के पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेप्थ लेवल पे समझा है, तो उसकी फॉरगेटिंग नहीं होती है, वो हमेशा के लिए हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हमने रोट लर्निंग की, हमने रट के पढ़ा है, किसी टॉपिक को समझा नहीं है, बस सरफेस लेवल पे पढ़ लिया, तो उसकी फॉरगेटिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कुछ टाइम के बाद आप उस टॉपिक को, उस इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं। तो आपने जो रिहर्सल किया वो डेप्थ लेवल पे किया है या शैलो लेवल पे किया है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कैसी होगी। अगर किसी भी टॉपिक को बहुत ही डेप्थ लेवल पे आपने समझ लिया, उसकी गहराई में जाकर उसके बारे में तर्क वितर्क कर लिया, रीजनिंग कर लिया, उसके बारे में थिंक कर लिया, तो उसकी फॉरगेटिंग के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमिंड टारगेट। जब भी आप किसी भी टॉपिक को लर्न करें, तो एक टारगेट फिक्स करें, एक टारगेट डिटरमिन करें कि मुझे इतना लर्न करना है, इतने टाइम में मुझे इतना लर्न करना है। जब आप एक टारगेट को बना के चलते हैं ना, तो चीज़ों को अचीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है। टारगेट आपके सामने होता है और आपको पता है कि इतने टाइम में मुझे इतना लर्न करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और कंसंट्रेशन की वजह से ही आप क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। और जब किसी चीज़ पर हम फोकस करते हैं, किसी चीज़ पर हम ध्यान देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो हमारे ब्रेन में चली गई और हमने उस वहाँ पे हमने डेप्थ लेवल पे प्रोसेसिंग कर दी, तो डेप्थ लेवल की प्रोसेसिंग के बाद उस इन्फॉर्मेशन के डिके होने, उस इन्फॉर्मेशन के विलुप्त होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, यानी हमारे सामने अगर एक डिटरमिंड टारगेट है, तो ये डिटरमिंड टारगेट हमारी मेमोरी को काफ़ी स्ट्रांग बना सकता है। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है ये यूजिंग स्पेस्ड मेथड। जब भी हम किसी लर्निंग मटेरियल को, या आप किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करें, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक साथ एक ही टाइम में ढेर सारा मटेरियल से लर्न करने के बजाय, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक दे देकर चीज़ों को लर्न करें, थोड़ा सा रेस्ट दे देकर, कुछ टाइम इंटरवल के बाद किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करें, तो वहाँ पे हमारी मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। क्यों? जो टाइम इंटरवल मिलता है, जो रेस्ट पीरियड हमें मिलता है, उस रेस्ट पीरियड में हमारे जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, मेमोरी ट्रेसेस के कंसोलिडेट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप कंटिन्यूस 4 घंटे से स्टडी कर किए जा रहे हैं, लगातार स्टडी आपकी चल रही है, तो क्या लगता है आप गेन कर रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में गेन करने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, उनको कंसोलिडेट होने का मौका ही नहीं मिलता। तो आप ज़रा उस मेमोरी ट्रेसेस को कंसोलिडेट होने का मौका तो दीजिए,
ताकि वो अपनी जगह ब्रेन में बना सकें, अपने आप को फिक्स कर सकें, अपने आप को कंसोलिडेट कर सकें। इसलिए हमेशा इस स्पेस्ड मेथड का यूज़ करके हमें किसी भी टॉपिक को या किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो है यूज़ ऑफ इमेजरी, प्रतिमाओं का इस्तेमाल करना, प्रतिमाओं का उपयोग। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके ज़रिए किसी बिल्कुल नए लर्निंग मटेरियल को लर्न किया जा रहा है या किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न किया जा रहा है, लर्न करते वक्त अगर आप कुछ मेंटल लेवल पे कुछ इमेज बना लें, मन ही मन में कुछ इमेज बना लें, कोई पिक्चर बना लें और उस पिक्चर को मन ही मन में कह रही हूँ, उस पिक्चर को उस मटेरियल्स के साथ या उस इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ लें, एसोसिएट कर लें, तो इससे उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना काफ़ी इजी हो जाता है। यानी जो विजुअल इम्प्रेशन है, जब भी हम चीज़ों को रिकॉल करेंगे तब वो विजुअल इम्प्रेशन उभरेगा, हमारे मन में बनेगा, ठीक है। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन की वो पिक्चर हमारे मन में उभरेगी और उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। होता भी हमारे साथ कि जब हम किसी भी टॉपिक को लर्न करते हैं तो जहाँ से उस टॉपिक को लर्न किया हमने, एज इट इज़ वो बुक, वो लैपटॉप, वो मोबाइल, हमें सब कुछ हमारे सामने दिखने लग जाता है हम जब उसको रिकॉल करते हैं, होता है। या कोई सेंटेंस कैसे लिखा था, किस तरह से लिखा था। एक एग्जांपल लीजिए, जो हम छोटे थे जब हमें स्पेलिंग सीखना होता था तो हम स्पेलिंग रटते नहीं थे, हम उसको देखते थे अच्छे तरीके से। जब थोड़ा सा हमारे अंदर हमारा जो कॉग्निटिव लेवल जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, तो हम क्या करते थे, चीज़ों को रटते नहीं थे। हम किसी भी वर्ड की अगर स्पेलिंग हमें सीखना है तो हम उसको गौर से देखते थे कि वो लिखी कैसे गई है। और जब हम एग्ज़ाम में कभी भी जब हमें रिकॉल करना होता था तो उस टाइम हमारे मन में एक मेंटल इमेज बनती थी और एज इट इज़ वैसे ही पिक्चर उभरती थी जैसे वो बुक में होती थी। ये क्या है, इसी को हम कहते हैं मेंटल इमेजरी। इससे चीज़ों को रिकॉल करना काफ़ी आसान होता है और इससे आपके ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनता है। ये भी बता दें, इससे आपके ब्रेन पर, आपकी मेमोरी पर कोई प्रेशर नहीं बनता, चीज़ों को रिकॉल करना काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएशन, साचर्यों का उपयोग। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, कोई भी टॉपिक, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है या कोई भी टॉपिक आप लर्न कर रहे हैं तो उस टॉपिक को या उस इंफॉर्मेशन को किसी फैमिलियर थिंग के साथ, प्लेस के साथ या पर्सन के साथ एसोसिएट कर दीजिए। नहीं, किसी जो लर्निंग मटेरियल हमें प्रोवाइड किया गया है लर्न करने के लिए, अगर हम उसको लर्न करते वक्त किसी फैमिलियर थिंग के साथ, प्लेस के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इससे उस लर्निंग मटेरियल को लर्न करना ज़्यादा इजी हो जाता है। एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। मन ही मन में एसोसिएशन हमने कर लिया किसी टॉपिक का, इस एसोसिएशन की वजह से वो टॉपिक हमेशा के लिए हमारे जहन में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेफ्टी फ्रॉम इंटरफेरेंस, बाधाओं से, रुकावटों से अपना बचाव करना। अभी कैसे बचाव करेंगे आप इंटरफेरेंस, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फॉरगेटिंग के टॉपिक में, ठीक है। इंटरफेरेंस से हम तभी बचाव कर सकते हैं जब हम
टाइम इंटरवल का यूज़ करते हुए चीज़ों को लर्न करें, यानी कुछ ब्रेक दे करके, कुछ रेस्ट ले करके बीच बीच में हम किसी भी लर्निंग मटेरियल को लर्न करें, तो हम इंटरफेरेंस से बच सकते हैं, इन रुकावटों से बच सकते हैं। ठीक है, क्यों? जब हम एक ही साथ एक ही टाइम में बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स को लर्न करते हैं, यानी कई टॉपिक्स को हम एक ही साथ लर्न कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक में इंटरफेरेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट टॉपिक जिसे हमने लर्न किया, उस लर्न करने के बाद जो मेमोरी ट्रेसेस हमारे ब्रेन में बने, अभी उस मेमोरी ट्रेसेस के कंसोलिडेट होने का उसे मौका ही नहीं मिला, तब तक हमने सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर दिया। ये हम क्या कर रहे हैं? अपनी मेमोरी, अपने ब्रेन पे जुल्म कर रहे हैं। हमें कम से कम इतना तो ब्रेक देना चाहिए, इतना तो रेस्ट देना चाहिए अपने ब्रेन को कि जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो वहाँ पे कंसोलिडेट हो सके, मजबूत हो सके, अपनी जगह बना सके। अगर वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगे तो नतीजा ये होगा कि उसकी वजह से आप जो दूसरा टॉपिक लर्न कर रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे, मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, और फिर इंटरफेरेंस की वजह से फॉरगेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन रुकावटों से, इन इंटरफेरेंसेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इस स्पेस्ड मेथड का यूज़ करें, अपने आप को रेस्ट दें ताकि मेमोरी ट्रेसेस बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हो सके। नेक्स्ट आता है निमोनिक्स। निमोनिक्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्मारक सूत्र, स्मारक सूत्र, ये भी अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाने की बहुत ही अच्छी टेक्निक है निमोनिक्स की। बहुत ही लंबे इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी अगर कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो उसको छोटे छोटे ग्रुप में बांट दो, यानी इन्फॉर्मेशन का जो इन्फॉर्मेशंस की ग्रुप है उसको छोटे से ग्रुप में बांट दो, यानी उसकी ग्रुपिंग कर दो, चुंकिंग कर दो, इसको चुंकिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए एक्रोनिम का, यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन के ग्रुप को एक शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना, जिसको हम कहते हैं एक्रोनिम्स। ठीक है, एक्रोनिम्स जैसे WHO। अब आप रिकॉल करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप तुरंत कहते हैं WHO, रिकॉल करना भी आसान और हमारे इस ब्रेन पर, हमारी इस मेमोरी पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। WHO, CPI, ठीक, SBI, UGC, ये सब क्या है? हमने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे ग्रुप में, शॉर्ट फॉर्म में क्या किया, अपने मेमोरी में स्टोर कर लिया। इससे हमारी मेमोरी कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। आपने CPI देखा, उसका फुल फॉर्म आपके जहन में आ गया। आपने SBI देखा, आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप रिकॉल भी करते थे CBI, SBI, WHO, आप उसको समझ रहे हैं ये क्या है? ये होता है एक्रोनिम्स, यानी किसी भी बड़ी सी इंफॉर्मेशन को छोटे से फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना, जिसको हम चुंकिंग भी कहते हैं, चुंकिंग मेथड। ठीक है, इससे भी हमारी मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है आपका, वो है यूजिंग होल लर्निंग मेथड, यानी पूर्ण विधि का उपयोग। इससे पहले हमने कहा था एक मेथड स्पेस्ड मेथड, तो मैं आपको पहले यहाँ क्लियर कर दूँ, स्पेस्ड मेथड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब टॉपिक हमारा काफ़ी डिफिकल्ट होता है,
नहीं, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी लर्निंग मटेरियल जिसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, जिसे लर्न करना काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ पे आप स्पेस्ड मेथड या डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक, पार्शियल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर ना बने। लेकिन कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही इजी है और काफ़ी लंबा भी नहीं है, इजी है और छोटा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, होल लर्निंग मेथड का यूज़ करिए। कोई ऐसा टॉपिक जो इजी भी है और शॉर्ट भी है, तो आप वहाँ पे होल लर्निंग मेथड का यूज़ करिए। जैसे कोई पोएम है, पोएम को लर्न करना, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड या स्पेस्ड मेथड की क्या ज़रूरत है। पोएम को आप एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, एक ही साथ, एक ही टाइम में लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा जो है रिदमिक लर्निंग, वही मैंने अभी बताया ना, लय के साथ सीखना, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हमारे सामने कोई नया टॉपिक आता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो उस टाइम सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, विल पावर अच्छी खासी हमारे अंदर होती है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक लय के साथ, एक रिदम के साथ इन्फॉर्मेशन को एक साथ ही लर्न कर सकते हैं। हम करते भी क्यों, वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बरकरार है, अभी विल पावर अच्छा खासा हमारा है, तो ऐसी कंडीशन में एक लय के साथ अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कुछ और होता है, हम चीज़ों को बहुत आसानी से वहाँ पे लर्न कर लेते हैं और बहुत अच्छे से हमारे मेमोरी में वो क्या होती हैं, स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स के अलावा कुछ टेक्निक्स और भी हैं, टेक्निक्स के हमारा जो पढ़ने का तरीका है, होना चाहिए, वो है जिसको हम कहते हैं SQ4R मेथड, SQ4R, इसको हम इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि होता क्या है। S सर्वे, क्यू क्वेश्चन, 4R रीड, रिसाइट, रिलेट, रिव्यू, आप इसको इस तरह से समझिए। आपको कोई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया लर्न करने के लिए, कोई टॉपिक है जिसे आप लर्न करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एक ही बार में सारे टॉपिक का सर्वे कर लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए, यानी पूरे चैप्टर को एक नज़र देख डालिए कि इस चैप्टर में है क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें एक ही नज़र में आप देख डालिए, सर्वे कर डालिए, ठीक है। उसके बाद आप एक सेक्शन जो होता है चैप्टर का, उस पर फोकस करिए और ख़ुद से क्वेश्चन करिए कि इस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे को आएंगे आपके जहन में सवाल, आते भी हैं, ठीक है। क्या होता है, आप सर्वे करने के बाद क्या करेंगे, एक एक सेक्शन पे ध्यान देंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे खुद से क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, जैसे आपने मेमोरी का टॉपिक अभी मेमोरी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो एक साथ आप पूरे टॉपिक पे, पूरे चैप्टर पे नज़र डालिए कि इस मेमोरी के तहत कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, फिर उसके बाद आप एक सेक्शन यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी पे फोकस करिए, तो मेमोरी टॉपिक पढ़ने से पहले तो जहन में आपके बहुत सारे सवाल आए होंगे, हाँ बिल्कुल आए होंगे, पहला तो यही कि मेमोरी होती क्या है, आपने
मेमोरी को अपने लेवल पे समझने की कोशिश भी किया, यानी एक जनरल टर्म में, ना कि साइकोलॉजिकल टर्म में, जानते भी हैं कि मेमोरी क्या होती है। अब ये अलग बात है कि साइकोलॉजी में इसे अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो क्या था, आपने क्वेश्चन किया, अपने तरीके से समझा, फिर उसके बाद जब वो क्वेश्चन आपके जहन में उभरा, फिर उसके बाद आप क्या करिए, उस टॉपिक को रीड करिए, पढ़िए, ठीक है, पढ़ना शुरू करिए। सिर्फ पढ़ना ही शुरू ना करिए, रिसाइट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को जब आप लर्न कर रहे हैं तो उससे बोल करके, यानी लाउडली पढ़िए, इससे भी हमारी मेमोरी कैपेसिटी स्ट्रांग होती है। याद रखिए कि किसी भी टॉपिक को मन ही मन में पढ़ना, और एक होता है लाउडली पढ़ना, इससे भी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है रिलेट, और जो कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं उसे बहुत सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है इन्वायरमेंट में स्टिमुलस, उसके साथ रिलेट कर देना, ये एसोसिएट कर देना। यही एसोसिएशन बाद में हमारे रिकॉल करने के वक्त काम आता है। और लास्ट में है क्या, रिव्यू, समीक्षा करना, ठीक है। रिव्यू का मतलब ये होता है कि सब कुछ आपने पढ़ डाला, समझ लिया, अब एक नज़र तो डाल लीजिए, रिव्यू तो दोबारा एक नज़र डालिए, समीक्षा कर लीजिए कि आपने पढ़ा क्या, कैसे पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा, और किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। इससे क्या होगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा दोबारा से आप उसको दोहरा रहे हैं, और रिपीटेशन, ये रिवीजन आपकी मेमोरी कैपेसिटी को काफ़ी स्ट्रांग बना देता है। अगर आप इन में किसी भी टॉपिक को लर्न करते वक्त इन मेथड्स का यूज़ करते हैं तो इससे आपकी मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये था आपका सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फॉरगेटिंग के बारे में, ओके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।